मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि अपने मिनी ट्रक में मेडिकल रिसर्च का केमिकल ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं कि उनकी गाड़ी के सामने एक हिरण आ जाता है, लेकिन वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे उनकी गाड़ी हिरण से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में गाड़ी में लोड एक केमिकल टैंक नीचे गिर कर नदी में चला जाता है। वो दोनों इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं और वो टैंक नदी में तैरते हुए किनारे के पास जाकर फूट जाता है, जिससे उसमें भरा केमिकल रिलीज होने लगता है और वहाँ पर दो बीवर्स होते हैं। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो कि नदी में फिशिंग कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कोई नदी की ओर खींचता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो कोई उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उसी वक्त स्टोरी दूसरी ओर चली जाती है और हमारी मुलाकात जेनी नाम की एक लड़की से होती है जो कि काफी सैड होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड जोसेफ ने उसके साथ चीट किया था। जेनी अपनी दो दोस्तों के साथ एक गैस स्टेशन पर होती है क्योंकि वो तीनों वीकेंड एंजॉय करने के लिए जंगल में बने कैबिन में जा रही है। उन दोनों का नाम जो और मैरी होता है और उनके साथ जो का एक डॉगी भी होता है। अब मैरी डिसाइड करते हैं कि वो तीनों कैबिन में जाकर अकेले और शांति में टाइम स्पेंड करेगी, जिस पर जेनी भी उसकी बात को एग्री करती है। मगर जो थोड़ी आवारा टाइप की लड़की होती है इसलिए वो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड बक को भी बुलाना चाहती है। इस तरह वो तीनों बातें करते हुए कैबिन पर पहुंच जाती है जहां पर पहले से मैरी की आंटी मिसेज गैगरो रहती है। वो मैरी को देखकर काफी खुश होती है और उन तीनों को वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहती है। मिस गैगरो के साथ उनका हस्बैंड विंस्टन भी होता है। अब वो तीनों कैबिन में जाकर आराम करती हैं। तब जेनी देखती है कि उस कैबिन में मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से जो भी काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो तीनों सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकती। इसलिए वो सभी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए नदी के किनारे जाती हैं और स्विमिंग करने लगती हैं। बाद में वो तीनों एक क्राफ्ट पर बैठकर सन बात करती हैं। उसी वक्त उन्हें बीवर्स का नेस्ट दिखाई देता है, इसलिए जेनी बिना सोचे पानी में कूदकर वहां पर जाने लगती हैं क्योंकि उसे बीवर बहुत ज्यादा पसंद है। मगर जब वो तीनों वहां पर जाकर देखती हैं तो वहां पर एक भालू बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मगर तभी वहां पर कोई फायरिंग करता है जिससे वो भालू वहां से भाग जाता है। फायरिंग करने वाला वहीं पर रहने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम स्मिथ होता है। वो उन तीनों को बताता है कि यहां पर जंगल में बहुत सारे भालू रहते हैं, इसलिए तुम लोगों को बिना किसी वेपन के यहां पर नहीं घूमना चाहिए। इसलिए वो तीनों वापस केबिन में आ जाती है और बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। इस तरह रात हो जाती है कि तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा नॉक करता है, इसलिए जो खड़ी होकर डोर तक जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो टॉर्च लेकर आगे चली जाती है। पीछे मैरी और जेनी बाहर खड़ी होती है कि अंदर से उनका डोर कोई बंद कर देता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। तभी अचानक से उनके पीछे कोई आता है और वो मैरी का बॉयफ्रेंड टॉमी होता है। दरअसल वहां पर उन तीनों के बॉयफ्रेंड आ जाते हैं और उन्होंने उनके साथ प्रैंक करने के लिए ये सब किया था। मैरी और जो उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन जेनी जोसेफ पर पहले से गुस्सा थी, इसलिए वो उसके आने पर काफी गुस्सा होती हैं। अब मैरी और जो तो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में जाकर एंजॉय करने लगती हैं, लेकिन जेनी और जेसोप अभी तक वहीं पर बैठे हुए होते हैं। जेसोप उसे मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उसका एक फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तब वो उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, वो तो जब मैं नशे में था तो किसी ने मेरा फोटो खींच लिया। लेकिन जेनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती है और वहां से जाने लगती है। जेसोप उसके पीछे जाकर उसे राजी करने के लिए किस करने लगता है, लेकिन वो उसे पीट कर वहां से चली जाती है और बाथरूम में जाकर शॉवर लेने लगती है। तभी वहां पर एक बीवर आ जाता है जो कि काफी भड़का होता है और वो जेनी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भागते हुए जेसोप के पास जाती है और उसे इसके बारे में बताती है। तब तक वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो सभी जेनी की बात को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन उसके ज्यादा कहने पर वो सभी एक बैट लेकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मगर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए बक जेनी की मजाक उड़ाते हुए बाथरूम के अंदर जाता है। तभी अचानक से वो बीवर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी टॉमी उसे बैट से पीट कर मार देता है। ये सब देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इन सब के बाद जेनी सभी को वहाँ से घर चलने के लिए कहती है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि बीवर कभी भी इंसानों को नहीं काटते, हो सकता है कि ये बीवर पागल हो गया हो, इसलिए अब हमें कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब टॉमी उस मरे हुए बीवर को एक बैग में डालकर बाहर फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी तक जिंदा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी स्विमिंग करने के लिए बाहर आते हैं, तब वो लोग देखते हैं कि मरा हुआ बीवर उस बैग में नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि उसे किसी जानवर ने खा लिया होगा। अब वो सभी रिवर में जाकर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन जेनी अकेले ही बाहर बैठी होती है क्योंकि उसे बीवर से डर लगने लगता है। मगर बाकी लोगों के ज्यादा कहने पर वो भी पानी में उतरती है। तभी उसी वक्त बक को कोई पानी में खींच लेता है, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि वो डुबकी लगा रहा है। तभी बक बाहर निकलता है जिसके हाथ में खुद का पैर होता है और पानी में बहुत सारा ब्लड फैल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उस वक्त मैरी और जोसेफ क्राफ्ट पर होते हैं और वो उन लोगों को जल्दी से क्राफ्ट पर लौटने के लिए कहते हैं। दरअसल बक पर एक बीवर ने अटैक कर दिया
गया था और अब वहाँ पर बहुत सारे बीवर आ जाते हैं। लेकिन वो तीनों किसी तरह क्राफ्ट पर पहुँच जाते हैं, मगर वो बीवर अब क्राफ्ट को नीचे से काटने लगते हैं, इसलिए वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर जैनी ये सब देखकर वापस केबिन में चली जाती है और फोन से हेल्प बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन की लाइन पहले ही बीवर्स ने काट दी थी। तभी उसके ऊपर एक बीवर अटैक कर उसे काट देता है, मगर वो किसी तरह उसे बचने की कोशिश करती है और उसे चाकू से मारती है, मगर उसकी बॉडी कटने के बावजूद भी वो जैनी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फिर से एक चाकू से उसे घायल कर देती है। दूसरी ओर बहुत सारे बीवर क्राफ्ट को काटने लगते हैं, मगर टॉमी किसी तरह उन्हें पीट कर वहाँ से दूर भगाता है। तभी जैसोप जो के डॉग को पानी में फेंक देता है और जब वो सभी बीवर उसे काटते हैं तब तक सभी लोग तैरते हुए नदी के बाहर आ जाते हैं और किसी तरह भागते हुए कैबिन में जाते हैं। अब रात हो जाती है, लेकिन अभी तक बहुत सारे बीवर्स उनके घर के चारों ओर होते हैं। दरअसल वो सभी बीवर्स एक वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत उस केमिकल टैंक से हुई थी और उसकी वजह से अब सभी बीवर्स ज़ॉम्बी बनने लगे हैं। अब सभी लोग इस कैबिन में फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बाहर से कोई भी हेल्प नहीं बुला सकते। वहीं बक का पेड़ कटने की वजह से उसका काफी ब्लड बह जाता है, इसलिए अब उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। उसी वक्त वो मरा हुआ बीवर्स फिर से जिंदा हो जाता है, इसलिए जैसोप को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका सर काट कर बाहर ले जाता है और बाकी सभी बीवर्स की ओर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर और ज्यादा बीवर्स आ जाते हैं, इसलिए वो सभी डर कर फिर से अंदर चले जाते हैं। अब टॉमी डिसाइड करता है कि वो मैरी की गाड़ी लेकर बक को हॉस्पिटल ले जाएगा और बाद में वहाँ से उनके लिए हेल्प बुलाएगा। उसकी ये बात सुनकर जो भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है और अब वो दोनों बक को लेकर गाड़ी में बिठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे वो तीन ही बचे होते हैं कि कुछ बीवर्स विंडो से अंदर घुसने लगते हैं, इसलिए वो तीनों सभी दरवाजों पर कीले ठोक कर उन्हें बंद कर देते हैं। दूसरी ओर हम मिसेज ग्रॉग और विंस्टन को देखते हैं। ग्रॉग को बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो विंस्टन को बाहर जाकर देखने के लिए कहती हैं, मगर वो उसकी बात को नहीं मानता है और अपने डॉग के साथ वहीं पर बैठा रहता है। मगर तभी हम देखते हैं कि अब उसके डॉग की जगह पर एक बीवर बैठा है। दूसरी ओर टॉमी और जो गाड़ी लेकर आगे जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें वहीं पर खड़ा एक ट्रक दिखाई देता है और टॉमी उसके पास जाकर देखता है तो उस ट्रक में कोई नहीं होता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक एक्स मिल जाती है, जिसे वो जो को देता है और उसे वहीं पर रुकने को कहकर खुद पैदल ही आगे हेल्प बुलाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी जो को उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि टॉमी एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुका है। दरअसल उन सभी पेड़ों को वो ज़ॉम्बी बीवर काट रहे हैं, जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर स्मिथ आ जाता है और वो दोनों बक को अपने ट्रक में बिठाकर वहाँ से वापस केबिन की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर वो तीनों पूरी तरह घर को पैक कर देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ बीवर घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरह उन्हें वहाँ से भगाते हैं कि तभी उन्हें बाहर से ट्रक के आने की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि टॉमी उनके लिए कोई हेल्प लेकर आया है। अब वो तीनों गाड़ी से उतरकर दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से जैसोप उन्हें बताता है कि हम दरवाजा नहीं खोल सकते क्योंकि उन्होंने सभी डोर अंदर से ब्लॉक कर दिए थे, इसलिए वो तीनों मिस ग्रॉ के घर की ओर भागने लगते हैं और किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उन बीवर्स ने विंस्टन और उसकी वाइफ गौर को भी मार दिया है। दूसरी ओर वो तीनों कैबिन में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर कुछ बातें करने के बाद वो सभी सो जाते हैं। तभी मैरी के पास जैनी आती है और वो उसके नजदीक आने लगती है। तब मैरी सोचती है कि वो उसके साथ रोमांस करना चाहती है, इसलिए वो जैनी को कहती है कि ये सब हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से जैनी के नाखून बड़े हो जाते हैं और उसके दांत भी बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर मैरी बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन जैनी अब काफी हद तक एक बीवर की तरह बन जाती है। उसी वक्त पीछे से जैसोप उस पर अटैक कर उसे घायल कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर बक स्मिथ पर अटैक कर उसे बुरी तरह से काट देता है और ये सब देखकर जो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए ऊपर जाकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। लेकिन उसी रूम में ग्रॉग होती है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और अब वो जो पर अटैक कर देती है, मगर वो उसे बचने के लिए विंडो से नीचे कूद जाती है। वहीं कैबिन में फ्लोर को खोदकर बहुत सारे बीवर्स अंदर आने लगते हैं, इसलिए जैसोप और मैरी उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और भागते हुए वॉशरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर मैरी जैसोप को अपना शर्ट उतारने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि जैसोप भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। जैसोप अपनी शर्ट उतार कर उसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर उसे तब भी यकीन नहीं होता है और वो उसे अपनी पैंट भी उतारने के लिए कहती है। जैसोप ऐसा ही करता है और इसके बाद वो मैरी को भी अपनी बॉडी दिखाने के लिए कहता है। वो भी अपने क्लॉथ रिमूव करती है, जिस पर एक घाव होता है, और जब जैसोप उसे देखने लगता है तो वो उसे किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उसी वक्त एक बीवर प्लग को काटता है, जिससे केबिन में आग लग जाती है। तभी मैरी वॉशरूम में आ जाती है और वो जैसोप के पेनिस को काट देती है, जिससे वो भी मर जाता है। और ये सब देखकर मैरी बाहर भाग जाती है। तभी वहाँ पर जो गाड़ी लेकर आती है और मैरी
उसके साथ वहाँ से चली जाती है। आगे जाने पर स्मिथ उनके सामने आ जाता है जो उन पर फायरिंग करता है, इसलिए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सभी ज़ॉम्बी उनकी ओर आने लगते हैं, मगर वो उन तक पहुँचते उससे पहले वो गाड़ी लेकर आगे निकल जाती है, कुछ दूर आगे जाकर जो गाड़ी रोक देती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी मैरी जो पर गन तान देती है क्योंकि उसे लगता है कि जो भी वायरस से इन्फेक्टेड है। जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये घाव विंडो से कूदने के कारण वह है, मगर तभी मैरी ज़ॉम्बी बन जाती है और ये देखकर जो उसे कुल्हाड़ी से मार देती है और अब वो आगे की ओर निकल जाती है। इस तरह सुबह हो जाती है और वो चलते हुए मेन रोड तक पहुंच जाती है जहां पर उसे एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, इसलिए वो उससे मदद मांगती है। मगर उस गाड़ी में वही आदमी होते हैं जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और इस बार भी वो ड्राइविंग पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे जो भी मर जाती है। और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।